हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर है जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह के 6 बज चुके हैं और हमेशा की तरह जो है हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है आपके सभी न्यूज़पेपर में से, वो सभी हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जाग गए होंगे और अपनी अच्छी प्रिपरेशन है जो कि कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस है जो कि ऑलरेडी चलाई जा रही है, उम्मीद करता हूँ कि सबके बारे में आपको पता होगा। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 10th और 11th, यानी कि कल जो संडे था अपना, तो उसका न्यूज़पेपर कवर करेंगे, और आज मंडे है तो यानी कि आज का न्यूज़पेपर कवर करेंगे। तो 2 दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज, ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे अभी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो 10th और 11th ऑफ जुलाई का न्यूज़पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारे आपके एग्जाम, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपको रेगुलर देखना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है दोस्तों किसी भी न्यूज़पेपर में से, वो सभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन है जो कि करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? जो कि मैं आपको दे के जाने वाला हूं। तो सबसे पहले, तो अगर आपने स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी.org अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप वॉलंटियर बन सकते हैं और हफ्ते में 1 घंटा निकाल के एक बच्चे को एजुकेट करवाने के अंदर मदद कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी लेकर एक बच्चे की एजुकेशन 500 रुपये में जो है उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे क्या है। एक बहुत ही अमेजिंग बात है जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा कही गई थी 2015 के अंदर, है ना। क्या बोला गया था? डोंट वेस्ट योर टाइम, इज लिमिटेड। आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है ना, किसी और की जिंदगी जीने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दुनिया क्या बोलती है, रिजल्ट किस चीज का क्या आएगा, उस चीज की चिंता है जो कि कभी मत करो, है ना। अपना ओपिनियन है जो कि रखो, दूसरे का ओपिनियन लो, लेकिन आप कहीं ना कहीं डीप इनसाइड जो है ना, आपको पता होता है, आपका दिल आपको बता रहा होता है कि आपको ये काम करना चाहिए, आप इस काम के अंदर अच्छे हैं, ये काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो है ना, ये दिल से बात जो कि निकल के आती है, और ये जो आपका ओपिनियन होता है, ये जो आपका हार्ट जो होता है, ये जो आपका इंट्यूशन जो बोलता है ना, ये दोस्तों आपको हमेशा सही जानकारी देता है। ओके, इसके अलावा एवरीथिंग इज सेकेंडरी। तो आपका दिल कहीं ना कहीं हमेशा इस बात के बारे में बताता है आपको कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, कौन सा काम आपको पसंद है जिसके अंदर आपका दिल लगता है, उसको फॉलो करोगे ना तो आप काम अच्छे तरीके से कर पाओगे, ज़्यादा कर पाओगे और आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा कही गई थी। और दुनिया में अगर आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हार्ट और अपने इंट्यूशन को ही फॉलो किया था, उसी वजह से आज वो उस जगह के ऊपर है जो वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कल संडे के न्यूज़पेपर की, है ना। एक मिनट मुझे दे दो, थोड़ी सी आवाज़ शायद इको हो रही होगी। ऑलराइट, चलो, तो कल संडे के न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो बहुत कुछ है जो कि संडे के न्यूज़पेपर में डिस्कशन को लेकर है। ये जो आपको भीड़ नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये कोई कोई ओपेरा का शो या फिर कोई कॉन्सर्ट है जो कि नहीं हो रहा है। ये दोस्तों गोटाबाया और राजपक्षा जी जो है ना, प्रेसिडेंट गोटाबाया और उनके जो भाई है, मतलब रनिल विक्रमसिंघे, उन दोनों के घरों के अंदर बहुत सारी पब्लिक है जो कि घुस गई और काफी डिस्ट्रक्शन किया। इनफैक्ट जो प्राइवेट जो उनका रेसिडेंट था उसको तो आग तक जो है वो जनता के द्वारा लगा दी गई। तो आपको मालूम है श्रीलंका में बहुत अनरेस्ट की कंडीशन है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों FATF की विजिट, आपको मालूम है ना, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसने ग्रे लिस्ट में अभी भी रखा हुआ है पाकिस्तान को, ब्लैक लिस्ट में जाने से वो बच गया, अब वो ग्रे लिस्ट से भी निकलने की तैयारी कर रहा है। तो उसकी मीटिंग होने से पहले ही उसने क्या कर दिया है, मसूद को जो है पकड़ने की कोशिश कर दी है। जैश ए मोहम्मद जो है ना, उसका फाउंडर है दोस्तों ये मसूद अजहर, और उसका एक और भाई है जिसका नाम है रौफ असगर। तो ये दोनों जो है वो टेररिस्ट है, पाकिस्तान भी मानता है। मतलब इसने, ये जो है ना मसूद अजहर, इसने 1999 का जो प्लेन हाईजैक है ना वो किया था, 2001 के अंदर हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था वो करवाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं जो कि ये करता रहता है। 2019 के अंदर इसके 40 से 50 मेंबर को पकड़ा गया था,
है ना, उसके बाद से कस्टडी के अंदर है। इसके अलावा इसके भाई जो अजहर मसूद, उसको भी पकड़ने की काफी टाइम से कोशिश चल रही है। तो क्या होता है, जब भी एफएटीएफ की लिस्ट आ रही होती है, मीटिंग आ रही होती है, तो पहले ही पाकिस्तान कुछ दिन पहले काम करने लग जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे लखीमपुर पुलिस भी जो है वो कस्टडी लेना चाहती है ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर को। आपको मालूम है मोहम्मद जुबेर जो है, इन्होंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो जो है ना वायरल किया था, किसका था, नुपुर शर्मा का था। उसके बाद में पूरा इंटरनेशनली जो है वो काफी बवाल मच गया था, उसके बाद में काफी चीजें देश में काफी बवाल मच गया था। तो वो हालांकि इनका जो केस है वो वाला नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बोला था वो तो खैर ऑन एयर जो है वो टेलीविजन के ऊपर बोला था, तो उसको वायरल करना नहीं करना वो तो ऑलरेडी ऑन एयर ही था। लेकिन इन्होंने कई कुछ साल पहले जो एक कॉमेंट किया था, जिसमें एक मैंने बताया था ना आपको, किसी एक रिलीजन पर्सन था कोई एक, उसको हेट मॉन्गर बताया था क्योंकि बहुत हेट की स्पीच दे रहा था, तो उसी को लेकर एक केस जारी किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी है, लेकिन अभी तक जो है वो सीतापुर की जो जेल से इनको रिलीज नहीं किया गया है, तो वो यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे अमरनाथ फ्लड साइट के बारे में बताया गया, 15 बॉडी है जो कि अभी रिट्रीव करी जा चुकी है, 100 लोगों से ज्यादा इंजरी है जो कि हुई है। हालांकि यहाँ पर भी दोस्तों एक चीज बताई गई है कि कुछ टाइम पहले अलर्ट है जो कि घोषित कर दिया गया था, और जो जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, वहीं पर ही बहुत सारे टेंट है जो कि लगा रखे थे। तो हमें थोड़ा सा और जो है इसके ऊपर बहुत और ज्यादा रिलीफ वर्क के ऊपर काम करने की जरूरत है, कि जब पहले अलर्ट घोषित कर दिया गया था तो उस टाइम पे टेंट और बाकी लोगों को वहां से निकाल देना चाहिए था, है ना, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ट्राइबल वुमेन के बारे में बात करी गई है। हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रेड पांडा के बारे में बात करेंगे। 20 रेड पांडा को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है ताकि उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। दो इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके सामने है। सबसे पहले तो ये वाला तो आपने देख लिया है ना, इसके बारे में थोड़ा और बता दूंगा मैं आपको। ये देखिए, ये श्रीलंका की ये फोटो है, ये श्रीलंका के अंदर आप देख सकते हैं हजारों लोगों की जो भीड़ है ना, वो इतनी ज्यादा भीड़ है जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर और वहां के जो प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमासिंघे और वहां के जो प्रेसिडेंट है गॉटबाया, दोनों भाई भाई हैं, तो उनके घरों तक पहुंच गए, क्योंकि कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन देश की बहुत ही ज्यादा खराब है। स्कूल आज के टाइम पे सारे बंद हो चुके हैं, पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, खाने के सामान की प्रॉब्लम है ना, स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी से लेके आने जाने के लिए पेट्रोल की प्रॉब्लम है। इंडिया ने बहुत मदद करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन लोगों को फाइनेंस कैसे संभालने हैं ये समझ में नहीं आया, है ना। पूरी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, 2 साल के टूरिस्ट आए नहीं वहां पे, तो इकोनॉमी के पास में काफी डॉलर्स और फॉरेन करेंसी आ नहीं पाई, और उसके बाद में जो इंटरनेशनली पैसा मिला तो उसको वो लोग बिल्कुल भी सही तरीके से काम में नहीं ले पाए। इसकी वजह से जनता के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा था, तो कुछ टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां की जो आर्मी है ना वो भी जनता को नहीं रोक पाई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जाके, ये देखिए स्विमिंग पूल के अंदर जो है जनता स्विमिंग वुमिंग कर रही है, उनको लगा देश में कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं स्विमिंग तो करें कम से कम प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जनता स्विमिंग कर रही है। यहाँ पे आप बाहर देख सकते हो, यहाँ पे काफी है ना, ये टीयर गैस है वो भी छोड़ी गई है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। देख सकते हो काफी लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि हुआ। इनफैक्ट जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी बोल दिया है वैसे कि वो अभी रिजाइन करने वाले हैं, हालांकि रिजाइन अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग है जो कि बुलाई है, सारी पार्टी मिलकर है जो कि देश के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे दोनों ने अपने पद से हटने के लिए रजामंदी तो जो है वो दे दी है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रेड पांडा के बारे में बात करी गई है। देखो आपसे पूछेंगे सिंगालीला नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है गाइस, तो ये जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ना, ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में। हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब एल्टीट्यूड के हिसाब से बोल रहा हूं, है ना। तो ये जो सिंगालीला नेशनल पार्क है हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में, इसके अंदर कुछ नए रेड पांडाज जो कि इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एक्चुअली के अंदर क्या है कि अभी जो आपको रेड पांडा जो देखने को मिलते हैं ना, वो आपको एक तो सिंगालीला के अंदर भी मिलते हैं, और इसके अलावा एक और है नौरा नेशनल पार्क, न्योरा। ये दो नेशनल पार्क है जहां पे आपको अभी देखने को मिल रहे हैं वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, समझ गए। ओके, अब डार्जिलिंग जू के अंदर भी कुछ एक रेड पांडाज है, तो उनकी मदद से कोशिश करी जा रही है कि हम लोग उनको रिलीज करें सिंगालीला नेशनल पार्क के अंदर, और फर्स्ट रीवाइल्डिंग प्रोग्राम है जो कि लॉन्च करें, यानी कि वापस से इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के ऊपर काम किया जाए, ठीक है गाइज। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है जो कि डार्जिलिंग हिल के द्वारा किया गया है, मतलब डार्जिलिंग जू जो है ना उसके द्वारा किया गया ताकि रेड पांडा की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, ठीक है गाइज। तो एक पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा 20 जो है इस तरीके के एंडेंजर्ड मैमल है, एंडेंजर्ड है आज के टाइम पे ये,
और आने वाले 5 सालों के अंदर जो है इनको रिलीज करने के लिए बोला गया है। ठीक है गाइज, पिछले काफी टाइम से जो है वो वाइल्ड के अंदर, जंगलों के अंदर इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इनफैक्ट जो नेशनल पार्क है अपने सिंगालीला नौरा वैली, वहां पर भी जो बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया माने जाते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां पर भी पॉपुलेशन जो है इनकी कम हो रही है। इसके अलावा कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा पॉपुलेशन में फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो ये देख सकते हो पद्माजा नायडू जो पार्क है, ये 2000 मीटर के ऊपर है सी लेवल के, हाई, वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड जू है जो कि कंट्री का माना जाता है। तो यहां पर तो बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने रखा हुआ था, लेकिन पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रही थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको वाइल्ड के अंदर जंगलों में जो है वो छोड़ने का फैसला है जो कि यहां पे लिया गया है। ठीक है गाइस, 2021 के अंदर भी ऐसा किया गया था कि जो दो पेयर है ना रेड पांडास के, वो रिलीज करे गए थे सिंगालीला पार्क के अंदर, और दो जो है उसमें से उनकी डेथ हो गई थी और कुछ जो है वो सर्वाइव, उसमें से दो है जो कि सर्वाइव कर गए थे। तो ये पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है। आज मैं बात करूं IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, तो ये थ्रेटन्ड स्पीशीज के अंदर है जो कि माने जाते हैं, बहुत ही शाय होते हैं, वहां के लोकल होते हैं, है ना, और इकोलॉजिकल चेंज का एक इंडिकेटर है जो कि रेड पांडा माने जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल चेंज आएगा ना, तो वहां पर जो है क्या होगा, रेड पांडास खत्म हो जाएंगे, तो उसका एक तरीके से ये वो भी पॉइंट भी माना जाता है ना इकोलॉजिकल चेंज का। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी, और IUCN के बारे में कल हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी, याद है आपको, IUCN की जो रेड लिस्ट है ना, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बताया था 1 लाख स्पीशीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, 28,000 उसके अंदर थ्रेटन्ड वाली ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड है ना उस वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको बताया था 9 कैटेगरी इसके अंदर डिवाइडेड होता है ना, तो वो सब हमने कल अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आने वाले कुछ दिनों में वापस से उसको रिवाइज कर लेंगे, जब वापस से IUCN के बारे में चर्चा होगी, बात होगी, तो वापस से उसको रिवाइज कर लेंगे, अभी तो कल ही पढ़ा है अपन ने। आगे बात करते हैं पेज नंबर 2 दोस्तों, जो कि यहाँ पे बताया गया सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे देखिए, दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित है जो कि रखा जाए। देखो, दो तरीके होते हैं किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी सिटी के अंदर। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप लड़कियों को ये मत बताओ कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है, लड़कों को ये बताओ कि अपने साथ में कैसे सबको सेफ है जो कि महसूस करवाना है ना, क्राइम नहीं करना है, हर लड़की जो है उनके साथ में सेफ रहे, सिक्योर रहे। ओके, तो लड़के अगर अपनी एजुकेशन के अंदर, अगर अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, तो किसी भी महिला को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी ऐसा सीखने की, करने की, है ना, या इनसिक्योर फील की, या फिर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये सब देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के अंदर इस तरीके से नहीं चल पाता है, इसीलिए दूसरा तरीका ये है महिलाओं की ट्रेनिंग का, कि उनको ट्रेन कर दिया जाए सेल्फ डिफेंस के अंदर। होता क्या है, देखिए, 2 बार दिल्ली के अंदर एक महिला है 40 साल की, तो उनकी जो है वो चेन तोड़ ली गई, तीसरी बार उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा मैं तो सीखने वाली हूँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो उन्होंने क्या कर ली, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। उसके बाद तीसरी बार जब उनके इंसिडेंट उनके साथ में होने वाला था, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया और उस बंदे को पकड़वा भी दिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कई सारी महिलाएं जो कि अभी धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो है वो सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि सीख रही है। ये जो सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका नाम है साशक्ति। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछेंगे कौन से यूनियन टेरिटरी, कौन से स्टेट का ये प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दिल्ली पुलिस जो है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करी थी, ताकि महिलाओं को फाइट बैक करने में मदद मिल सके, ठीक है, ताकि खुद को प्रोटेक्ट है जो कि कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जांगीरपुरी के अंदर ये इंसिडेंट भी बताया गया है, मतलब महिलाओं के, उसके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को। तो 10 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होता है, और ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 दिन का ही है। 10 दिन के अंदर बेसिक सिखाए जाते हैं कि अगर आप कहीं पर इस जगह से अटक जाओ, कहीं पर कोई इस तरीके से है ना, तो आप कैसे बच सकते हो। अभी तक जो है वो 11,000 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है, जो कि मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ चुके हैं, कंडक्ट करवाए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो काफी अच्छा नंबर है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 10 दिन का प्रोग्राम है शालीमार बाग, और भी बहुत जगह पे हर तरीके की महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे कर रही है इस तरीके के प्रोग्राम। दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा भी चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने ओबावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है जो कि लॉन्च करी थी। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर ये प्रोग्राम है जो कि चलाया गया था, जिसमें 50,000 फीमेल स्टूडेंट को स्कूल और यूनिवर्सिटी में ट्रेन करने के लिए बोला गया था, समझ गए मेरी बात। तो जो आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है ना, वही सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है जो कि महिलाओं को अवेलेबल करवा रहा था। तो ये मुंबई साहब के द्वारा कुछ टाइम पहले है जो कि इसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो अगर ओ बावा के बारे में पूछे, तो कर्नाटक मां शक्ति, सा शक्ति के बारे में पूछे, तो आपको दिल्ली है जो कि आप पे ध्यान रखना है,
समझ गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ ये बेसिक टेक्निक्स होती है डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर सेल्फ डिफेंस अमंग वुमेन। कुछ इस तरीके से अगर कोई पकड़ रहा है तो किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है, तो कुछ ये फोटोज है ना, ओके, जो कि एक बेसिक सेल्फ ट्रेनिंग के उपाय है जो कि बताए गए हैं। सेम ही फोटोज है चारों के चारों। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है गाइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वीडियो को शेयर कर देना यार, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे एक बार शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उनको अभी भी पता नहीं है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, पेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। देखो त्रिपुरा ने क्या किया है, वापस से कैंपेन जो कि लॉन्च किया है। किस क्या क्या कैंपेन है, कोविड के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीछे छूट गए, जिनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, जिन्होंने स्कूल की फीस पेंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं पाए, नहीं जा पाए, कई बच्चों की आदतें छूट गई, कई पेरेंट्स ने भेजना बंद कर दिया, कई जगह पे फाइनेंशियल इश्यू की वजह से बच्चों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो पढ़ाई छूट गई। तो अब वापस से उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आने के लिए त्रिपुरा सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है विद्यालय चलो अभियान। क्या नाम है? विद्यालय, ठीक है, चलो अभियान। तो ये अभियान के तहत जो है वापस से बच्चों को स्कूल में ले जाने की बात करी गई है। 9000 ऐसे बच्चे जो है उनको वापस से, ठीक है, वापस से स्कूल में ले जाने की बात करी गई है। 6 से लेकर जो 14 साल तक के बच्चे हैं वो नियर बाय ऐसे 4300 ऐसे स्टूडेंट है जो कि स्टेट के अंदर है, जो कि COVID-19 पेंडेमिक के बाद में स्कूल नहीं जा पाए, है ना। तो उन्हीं के बारे में बोली गई है, कई जगह पे बच्चे वापस से अपने काम पे लौट गए फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो इनको वापस से आने के लिए 500 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है अगर वो रीस्कूलिंग है जो कि करते हैं तो। इसके अलावा जो बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, है ना, 2 साल से, उनके लिए भी यहाँ पे योजना चलाई गई है कि उनको भी कुछ इंसेंटिवाइज किया जाएगा, है ना। तो विद्यालय चलो अभियान ओरिजिनली इसको 2009 के अंदर है जो कि लॉन्च किया गया था, अभी इसको वापस से लॉन्च है जो कि किया गया है, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ये सुंदरी टेम्पल है, बहुत ही फेमस है ये सुंदरी टेम्पल है। पेपर में कई बार पूछते हैं कहां पर है, कौन से राज्य में है। यह आप देख सकते हैं रॉक कट स्कल्पचर है उनाकोटी के अंदर। यह आपका पैलेस है उज्जैनता पैलेस, उसके बाद में नीर महल पैलेस, और वो एक त्रिपुरी डांस है जो कि आपको साइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर सीएम की बात करें तो अभी सीएम कौन है? मनिक शाह। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। 60 विधानसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलती है ना। अगरतला जो है वो राजधानी है, 1972 के अंदर स्टेट है जो कि ये बना था, ओके। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल बहुत ही फेमस है पूरे देश में, कई बार सवाल आता है। इसके अलावा कॉकबोरक करके एक लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे लोकली बोली जाती है। एसडीआई के अंदर ठीक ठाक है, 25वीं रैंक के ऊपर है, कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक तो क्या खराब ही है, मीडियम लेवल के ऊपर है। और लिटरेसी जो है वो 87% के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। पर कैपिटा देखोगे स्टेट का तो 1,12,000 के आसपास है, यानी कि देश के एवरेज के आसपास ही थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। स्टेट एनिमल की बात करें तो लीफ मंकी है जो कि स्टेट का एनिमल है। बर्ड यहाँ पे इंपीरियल पिजन है। अगरवुड यहाँ पे स्टेट का ट्री है। फ्लावर यहाँ पे फेरिया और क्वीन पिनेपल है जो कि यहाँ पे पाइनएपल है जो कि स्टेट का फ्रूट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे, एलन मस्क ने दोस्तों ट्विटर की जो डील है उसको फाइनली जो है इतने टाइम तक जो है वो हंगामा होने के बाद में उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि ट्विटर ने अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी कि कितने उनके पास में फेक अकाउंट है, कितने अकाउंट उनके इनएक्टिव है, कितने अकाउंट उनके एक्टिव है, तो इसके बारे में जानकारी ट्विटर ने नहीं दी है। कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करने की वजह से एलन मस्क ने जो इस 44 बिलियन डॉलर की जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब क्या हो गया कि पहले तो पूरा का पूरा तामझाम फैला दिया, हालांकि ये चीज तो पहले दिन ही क्लियर करनी चाहिए थी एलन मस्क को कि मुझे 3 दिन के अंदर डाटा अवेलेबल करवाओ, अगर वो डाटा मुझे सही लगता है कितने आपके पास फेक अकाउंट है कितने नहीं है तो फिर मैं इस डील को आगे कंटिन्यू करूंगा, या फिर एक इनिशियल जो है वो पहले आपको टर्म शीट सेंड करनी थी फिर आपको अकाउंट मिलने थे उसके बाद में फिर आपको ये डील के बारे में बात करनी थी। लेकिन एलन मस्क आपको मालूम ही है पहले तो अनाउंसमेंट कर देते हैं उसके बाद में फिर उस चीज को समेटने में लगाने लग जाते हैं, है ना। पहले तो बिटकॉइन टॉप पे पहुंचा दिया उसके बाद में उसको जमीन पे गिरा दिया। तो एलन बाबा का कुछ इसी तरीके से जो है वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब दुनिया में इंटरेस्टिंग कोई ना कुछ कंटेंट है जो कि दुनिया को देते रहता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस पेज के ऊपर। आप देख सकते हैं टेस्ला के जो सीईओ एलन मस्क, उन्होंने फ्राइडे को बोला कि वो 44 बिलियन डॉलर की जो डील ट्विटर के साथ में कर रहे थे, है ना, वो फेल हो गई बिकॉज इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली फेक अकाउंट्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने हैं। ये सुनते ही दोस्तों शेयर जो है वो ट्विटर के 6% जो कि गिर गए,
है ना। इसके अलावा ट्विटर का जो बोर्ड है उसने बोला अब तो आपको लेना ही पड़ेगा, अब तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा आप पहले हाँ बोलते हो अब ना बोलते हो, हमने पूरा सेट कर लिया है कि हमारे पैसे जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, अब तो लेना ही पड़ेगा। तो ट्विटर का बोर्ड है वो बोल रहा है कि नहीं अब तो लेना पड़ेगा आपका, ऐसा ना होता है। तो वो भी एलन मस्क के ऊपर केस करने की तैयारी है जो कि कर रहा है, समझ गया मेरी बात। तो यहाँ पे वो बात कर गए। इसके अलावा ट्विटर के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि बोर्ड ने प्लान कर लिया है कि वो एक लीगल एक्शन लेंगे ताकि इस डील को एनफोर्स है जो कि करवाया जा सके, समझ गया मेरी बात। ठीक है, तो उनका ये कहना था एलन मस्क का कि 5% के आसपास जो है ना वो इसके अंदर फेक अकाउंट्स है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है 5% में से। चलिए आगे बात करते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस को लेकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेम न्यूज है, कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं है। यहाँ पे आपके विंबलडन जो है उनका फाइनल है जो कि परसों हो गया था, यानी कि कल के न्यूज़पेपर में महिलाओं का विंबलडन है जो कि किसने जीत लिया है, एलेना ने दोस्तों जीत लिया है। फर्स्ट प्लेयर है कजाकिस्तान की, आप देखिए पेपर में पूछेंगे, फर्स्ट प्लेयर है कजाकिस्तान की जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल है जो कि जीता है। ओके, एलेना इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, विंबलडन का सिंगल टाइटल है जो कि इन्होंने जीत लिया, मतलब ठीक है गाइस। रशिया के अंदर, वैसे तो क्या इनका जन्म तो कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान की है वैसे तो ये, लेकिन इनका जो जन्म के बाद में जो ज्यादा टाइम ये रही है ना रशिया के अंदर ही है जो कि ये ब्रॉट अप हुई है, मतलब तो वहीं पर इन्होंने ट्रेनिंग करी, वहीं पर इन्होंने खेला। ओके, रशिया को तो आपको मालूम है अभी बैन कर रखा है खेलने के लिए, तो इसके वजह से कजाकिस्तान के थ्रू है जो कि इन्होंने अपना खेलना स्टार्ट किया। ठीक है गाइस, चलिए 4 साल पहले ही जो है ना एलेना ने जो है वो कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, क्योंकि कजाकिस्तान ने बोला था कि हम आपके ट्रेनिंग को और बाकी सबको फंड करने के लिए रेडी है, तो रशिया से उन्होंने नाम से खेलना बंद करके कजाकिस्तान से खेलना चालू किया था। 4 साल हो चुके हैं और अभी मात्र जो है वो 23 साल की है। ओके, और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, मतलब ठीक है गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और चलिए ठीक है, ये बात है, आगे बात करते हैं विंबलडन को लेकर। देखो देश, देखो पूरी दुनिया में ग्रैंड स्लैम टाइटल जिसको अपन कहते हैं ना, तो ग्रैंड स्लैम टाइटल जो होते हैं वो 4 टूर्नामेंट को बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन, AFWU, इस तरीके से होता है AFWU। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन। अब अगली बार जो है अगर सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको यूएस ओपन है जो कि देखने को मिलेगा। तो विंबलडन की बात करें, सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है, 1877 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और ठीक है, उस टाइम पे तो लॉन टेनिस बोलते थे टेनिस को, यानी कि ग्रास कोर्ट के ऊपर ही होता था मतलब, और उसके बाद में लॉन टेनिस में से लॉन हटा दिया, अब सिर्फ टेनिस माना जाता है इसको, है ना, क्योंकि कोर्ट अलग अलग होते हैं। कोई क्ले कोर्ट होता है फ्रेंच ओपन, आपको मालूम होगा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, और विंबलडन जो है वो आज भी जो है वो ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, और जो आपके यूएस ओपन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं ये किसके ऊपर, हार्ड कोर्ट होता है उसके ऊपर खेला जाता है। तो ये आज भी विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट के ऊपर ही खेला जाता है, समझ गए। तो आप देख सकते हो ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस वेन्यू है, क्लब है, वहां पर इसको बनाया गया। प्राइस मनी बहुत ही खतरनाक होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे 40 मिलियन पाउंड है जो कि प्राइस मनी होती है। अगर आपको मालूम है कि अगर विंबलडन कोई जीतता है, कोई पुरुष या कोई भी मतलब, तो विनर को पता है कितने पैसे मिलते हैं, नियर बाय 19 से 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी जो 11 लोग जीतते हैं ना, वो भी 10-15 करोड़ के आसपास होती है, 20 करोड़ होती होगी नियर बाय। यहाँ पे अकेला बंदा है, इसलिए टेनिस के अंदर बोलते हैं पैसा बहुत ज्यादा है मतलब। तो आप देख सकते हो जीतते ही एक टूर्नामेंट नियर बाय 19 से 20 करोड़ रुपए जो कि इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, करंट चैंपियन जो है वो नोवाक जोकोविक ने भी जीत लिया इस बार, है ना। और महिलाओं के अंदर मैंने आपको बता ही दिया एलेना है, सबसे ज्यादा जो है वो रॉजर फेडरर ने जीता है। रॉजर फेडरर किंग है जो कि ग्रास कोर्ट के माने जाते हैं, 8 बार उन्होंने जीता है। ठीक है, इसके अलावा एलेना ने अभी मैंने आपको बता ही दिया, डबल्स के लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं में मार्टिना नवरात्रिलोवा है जिन्होंने 9 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पुरुषों में अगर आप डबल्स में मिक्स डबल में देखोगे ना, तो लेंडर पेस का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। लेंडर पेस ने 4 बार जो है मिक्स डबल में जीता है। ओके, चलिए तो ये देखिए प्राइज मनी नियर बाय 19 करोड़ के आसपास है जो कि प्राइज मनी विनर को मिलती है। रनर अप को 10 करोड़ है, सेमीफाइनल को 5 करोड़ है, क्वार्टर फाइनल को 3 करोड़। अगर आप पहले राउंड में भी खेलते हो तो भी आपको 50-1 लाख रुपए तो एक राउंड के अंदर मिल ही जाएंगे। चलिए, अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी करते हो तो आगे बात करते हैं। आज के दैनिक के फ्रंट पेज की बात करें तो कोई रेजोल्यूशन दोस्तों श्रीलंका के अंदर अभी भी पास नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं डेमोस्ट्रेटर्स है दोस्तों, ये प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट के प्रीमिसेस के अंदर सबने अपना जो है वो अभी भी भीड़ है जो कि यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है। यहाँ पे एक्चुअली में ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, इसलिए लाइन में जो है आपको यहाँ पे जनता है जो कि देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी खत्म नहीं हुए, हमने बोला है कि हमारी जो सॉलिडारिटी है वो श्रीलंका के लोगों के साथ में बनी हुई है, हम पूरी मदद करेंगे जितनी कर सकते हैं, और अभी तक भी हमने करी है ना। शिवसेना लोकसभा के अंदर भी स्प्लिट हो जाएगी क्योंकि 2 पार्टी बन चुकी है,
स्टार्टअप्स की फंडिंग जो है दोस्तों बहुत कम हो चुकी है। आप देख सकते हो कि जहां पर पहले $10 बिलियन की फंडिंग हुई थी जनवरी से मार्च, इस बार सेकंड क्वार्टर में मात्र $6.9 बिलियन हुई है। तो आप देख सकते हो लॉन्ग और बिटर विंटर है जो कि इस बार स्टार्टअप्स को देखने को मिलेंगे, और फंड्स ड्राई अप होंगे, जॉब्स जो है वो कट डाउन होगी। मेजरली जो जॉब जाएगी वो दो सेक्टर में जाने वाली है, एक तो आपके एजुकेशन में, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है जॉब्स है जो कि कट डाउन हो चुकी है। ओके, मतलब जहां पे जॉब्स कट डाउन हो रही है, उस जहां पे फंडिंग कट डाउन है, उस मूवमेंट के ऊपर अपन ने नया स्टार्टअप किया है क्लास 24 तो ये भी बहुत बड़ी बात है आई गेस मेरे ख्याल से, है ना। ओके, और उस मूवमेंट के ऊपर जो है क्लास 24 जो है वो जॉब क्रिएट कर रहा है, मतलब है ना। तो चलो ये भी अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट काफ़ी लोगों जो है वो ले ऑफ होंगे आज के टाइम पे, काफ़ी लोग हैं जो कि एजुकेशन के अंदर जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जॉब जाएगी। तो जो अच्छे लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो दे आर वेलकम टू ज्वाइन क्लास 24 एनी टाइम। ठीक है, चलिए तो ये हो चुका है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि 15 तारीख से आप लोगों के लिए एक बूस्टर है जो कि लॉन्च हो रहा है, रेलवे बूस्टर, तो ज्वाइन कर लेना। रेलवे बूस्टर के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने अपने लास्ट टाइम प्रिपरेशन एक महीने के अंदर बूस्ट कर सकते हैं रेलवे बूस्टर से। ये 15 तारीख को लॉन्च होगा, सुबह 8 बजे लॉन्च होगा रेलवे बूस्टर। ठीक है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन है, और दूसरा जो है वो आपके गेमिंग है। गेम्स के अंदर आपको मालूम है लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों ने गेम्स की आदत पड़ गई थी, तो अभी उनकी थोड़ी छूट चुकी है, काम धंधे में लग चुके हैं, तो इसलिए गेम्स वाले जो कंपनीज है उसके अंदर भी जॉब जाने के चांसेस है, और आपके एजुकेशन के अंदर दो जगह बताई गई है इस वाले डाटा के अंदर। समझ गए मेरी बात? ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को लेकर है, यहाँ पे आसाम को लेकर है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे काली माता जो है उनको लेकर यहाँ पे मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, वो यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे जापान के अंदर अपर हाउस के इलेक्शन हुए हैं, अपर हाउस यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, तो उसकी वोट की जो काउंटिंग है जो कि यहाँ पे करी जा रही है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे पेज नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग बात करेंगे दोस्तों जोधपुर के बारे में, ठीक है, विश्नोई समाज के बारे में, और खेजड़ी ट्री के बारे में, राजस्थान के बारे में, है ना। अगर कल आपने अभी तक राजस्थान अभी एक क्लास 24 आपने राजस्थान नाम का एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो सब एग्जाम की तैयारी है जो कि आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस न्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो, है ना, यहां पे कई सारे ट्रीज है जो कि कटे हुए मिलेंगे आपको। देखो मुद्दा क्या हुआ है समझने की कोशिश करो, हुआ क्या है कि जो अपना डेजर्ट वाला एरिया है, जो वेस्टर्न राजस्थान है ना, जो डेजर्ट वाला एरिया है ना, थार वाला जो एरिया है, वहां पे वैसे ही पानी की समस्या है। वो तो इंदिरा कैनाल आ गया था, उसके वजह से पानी की समस्या थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई, लेकिन वहां पे पानी बारिश कम होती है। या तो लद्दाख में बारिश कम होती है देश में सबसे कम, या फिर आपके वेस्टर्न राजस्थान में होती है। ईस्टर्न राजस्थान में बढ़िया बारिश होती है, वो ग्रीन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न राजस्थान ग्रीन नहीं है, तो ये दो एरिया में इंडिया में सबसे कम बारिश होती है। अब यहाँ पे वैसे ही बहुत कम ट्री होते हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्री माना जाता है, जिसको वॉन्डर ट्री माना जाता है ना, वो है आपका खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री दोस्तों कम पानी के अंदर सर्वाइव करने वाला एक एग्जॉटिक प्लांट है, जो ट्री है जो कि माना जाता है। हुआ क्या यहाँ पे कि सरकार ने क्या किया, एनर्जी कंपनी के साथ में टाई अप किया, एनर्जी कंपनी ने 25,000 बीघा जमीन जो है वो लीज के ऊपर ले ली, और वहां पे सोलर प्लांट है जो कि वो लगाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छी बात है, सोलर पावर प्लांट लगाने चाहिए, इकोनॉमिकल काफी बेनिफिट्स होते हैं इससे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने ऐसी जगह पे जमीन खरीदी जहां पे बहुत सारे ट्री थे, तो यहां पे क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ ट्री जो है ना वो कट डाउन हो गए। समझ गए मेरी बात? इसके वजह से क्या हो गया, लोकल लोगों में और कंपनी के लोगों में दोनों के बीच में टसल है जो कि यहां पे हो गई। इनफैक्ट राजस्थान का जो स्टेट का ट्री माना जाता है वो भी खेजड़ी ही ट्री है, जो राज्य का स्टेट ट्री माना जाता है वो भी खेजड़ी है। तो आप देख सकते हो ये प्रपोज्ड इंस्टॉलेशन 8 सोलर पावर प्लांट का जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के फालोदी तहसील के अंदर है जो कि किया जा रहा है, जहां पे विश्नोई एक्टिविस्ट जो है वो काफी एक्टिव रहे, और उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ द खेजड़ी ट्री। तो खेजड़ी ट्री को कटने के खिलाफ है जो कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट है जो कि लाने को लेकर बोला गया है। पावर जनरेशन बहुत जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इकोलॉजिकली डेजर्ट के इकोसिस्टम को जो है प्रॉब्लम होगी अगर पेड़ बहुत सारे काटे जाएंगे। तो समझ गए मेरी बात? तो वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेजड़ी के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। एक तो आपके जो इकोसिस्टम है थार रीजन का, उसको मेंटेन करता है। ड्राई वेदर के अंदर भी दोस्तों एबिलिटी होती है इसकी सर्वाइव करने की, है ना। आप जो फोडर होते हैं, जो चारे के लिए
है ना, ट्रीज को काम में लिया जाता है ना, आग लगाने के लिए सर्दियों में काम में लिया जाता है, सॉइल के न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है, डेजर्ट क्रॉप फ्रू और आपके फूड प्लांट यील्ड करने के लिए काम में लिया जाता है ना। और एक पॉपुलर डिश होती है सांगरी, सुना है आपने सांगरी का? हाँ, तो ये बहुत ही पॉपुलर डिश है, वो आपके खेजड़ी के ट्रीज के फ्रूट जो है ना उसी से बनाई जाती है। सांगरी का, सांगरी का आपने सुना होगा, सांगरी बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर, तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये इकोलॉजिकली और आपके सब चीज़ों से जो ट्री है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि देखने को मिला। अब यहाँ पे जो लार्ज प्रोटेस्ट करवा जो हो रहा है ना, अभी जो स्टार्ट किया गया है वो विष्णोई समाज के द्वारा किया गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ना, समझ गए मेरी बात, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि विष्णोई समाज के द्वारा ट्रीज को बचाने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया गया है। इससे पहले भी बहुत बार जो इस तरीके का प्रोटेस्ट है जो कि किया जा चुका है, ये देख सकते हो आप, ये आपका खेजड़ी का ट्री है, ये कुछ इस तरीके के इसके फ्रूट्स है जो कि देखने को मिलते हैं, लीव्स और फ्रूट्स। देखो विष्णोई समाज ने पहली बार है ना जो ट्रीज को बचाने की जो शुरुआत करी थी वो आज से 260 साल पहले करी थी, है ना। क्या हुआ था कि जो जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया था मतलब ट्रीज को काटने के लिए, तो 84 विलेजेस को लीड किया था दोस्तों अमृता देवी ने। ओके, ये विष्णोई समाज से बिलोंग करते हैं और 18वीं सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर इनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था ताकि ये कटते हुए ट्रीज को जो है वो बचाया जा सके। तो विष्णोई समाज को देश के पहले इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लिया था आज से 250 साल पहले, है ना। और अमृता जो देवी है उनको वन ऑफ द पायनियर माना जाता है इस फील्ड में जिन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की शुरुआत करी थी। तो उस टाइम पे जो थे ना जोधपुर के राजा हुआ करते थे अभय सिंह, उन्होंने 1730 के दशक में जो है वो नया महल बनवाते समय और अपने सैनिकों को खेजड़ी के गांव में लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया। तो भाई राजा जी को जो है वो नया महल चाहिए था भाई 1730 के अंदर, नया महल के लिए क्या चाहिए होगा, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, जंगल से आएंगे। तो उन्होंने बोला जाओ सैनिकों जंगल काट के मेरे लिए महल बनाओ। तो गांव के अंदर ये बात फैल गई। अब यार देखो गांव के अंदर क्या होता है, ट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, शहर के लोग इतने समझते नहीं ट्रीज की इंपॉर्टेंस, पता नहीं क्यों नहीं समझते, पढ़े लिखे होने के बाद में भी गांव के लोग ज्यादा समझते हैं क्योंकि उनको पता है दे लिव इन नेचर, उन्होंने नेचर देखी है, पानी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपके पेड़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पेड़ जो है वो उनके जीने का सहारा है। इसके अलावा विष्णोई समाज के अंदर क्या होता है कि आइडियोलॉजिकली भी जो है वो पेड़ों के खेजड़ी ट्री के कंजर्वेशन के ऊपर बहुत टाइम से काम करते हुए आए हैं, समझ गए मेरी बात। तो उस टाइम पे सोल्जर्स के खिलाफ जो है ना अमृता देवी जो है वो खड़ी हो गई थी और ट्रीज की लाइफ को बचाने के लिए जो है उन्होंने काफी लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि किया था। इसके अलावा जो उनकी तीन बेटियां थी ना वो भी इस समर्थन के अंदर है जो कि आ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी समुदाय के लोग भी आ गए और सबने जो है वो अपने पेड़ों को जो है वो अपने बाहों में ले लिया था, है ना, वो वाला मूवमेंट आपने सुना होगा। ठीक है, सैनिकों ने जो है वो किसी का कुछ सुना नहीं, उसके बाद में भी पेड़ काटते चले गए काटते चले गए और काफी प्रोटेस्ट है जो कि हुआ था। ठीक है, तो विष्णु समाज के कल्चर बिलीफ के अंदर भी जो है वो प्रिंसिपल माना जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ का क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, समझ गए मेरी बात। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में सिर्फ ट्रीज की बात नहीं होती, विष्णु समाज आपके जानवर जो है उनके ही प्रोटेक्शन के लिए काफी काम करता है। आपने देखा होगा ना सलमान खान वाला जो केस था ब्लैक बक डियर वाला, है ना, काला हिरण, तो वो बहुत ही सैक्रेट माना जाता है विष्णु समाज में। तो इसीलिए वो सलमान खान का केस जो है वो आज तक रफा दफा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब वो तो सलमान खान को एक ड्राइवर था लोकल उसने बचा लिया, अदरवाइज सलमान खान को वहीं पर ही जो है वो मतलब उस दिन तो वो चले जाता, मतलब उस दिन तो हो सकता था कि वो शायद ही निकल पाता उस एरिया से मतलब, लेकिन वो तो एक लोकल ड्राइवर ने जो है काफ़ी समझदार ड्राइवर था उसने सलमान को निकाल दिया, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती उसके लिए। तो आज भी जो है कोर्ट के अंदर केसेस के अंदर चक्कर लगा रहा है वो, क्योंकि बहुत बड़ा केस है, वो छोटा मोटा केस नहीं है, है ना। हम साथ साथ है मूवी आई थी आई गेस उस टाइम की शूटिंग की बात है। चलिए ठीक है गाइस, इसके अलावा ये मैं आपको बता चुका हूँ उस जमाने में देखो 350 विष्णोई जो समाज के जो लोग थे ना अपनी जान है जो कि उन्होंने दे दी थी जस्ट बिकॉज कि उनको खेजड़ी ट्री को प्रोटेक्शन करना था। और ये जो मूवमेंट है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है और इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर उत्तराखंड के अंदर आपको मालूम है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ और भी बहुत मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुए देश के अलग अलग कोने के अंदर। चार मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि इस मूवमेंट के माने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सोशल हाइजीन को इंश्योर करना हेल्दी लाइफ के लिए, तब पेड़ रहेंगे तभी तो होगा, इसके अलावा कटिंग ऑफ ट्रीज को बचाना है ना, और क्या करना बायोडाइवर्सिटी और एनिमल हस्बेंड्री के प्रिवेंशन, उनको उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि माने जाते हैं, समझ गए मेरी बात। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज,
एक बच्चा बोल रहा है कि सर प्लीज शेयर योर फ्यूचर प्लान्स इन एनी वीडियो। चलो ठीक है, करेंगे किसी ना किसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जो बच्चे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए 15 तारीख को यानी कि 4-5 दिन बाद में एक रेलवे बूस्टर कोर्स है जो कि वो आने वाला है, जिसके बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर आपको एक महीने के अंदर बहुत ही अमेजिंग है जो कि उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेरे ख्याल से शायद 999 के अंदर 1000 रुपये के अंदर चारों सब्जेक्ट की तैयारी, टेस्ट सीरीज, आपके डाउट्स, ये सब चीज़ें जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी आपको। तो 15 तारीख से लॉन्च हो रहा है, तो अगर आपने ऐप ज्वाइन नहीं करी है अभी तक तो आप ज्वाइन कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। Class 24 नाम से ऐप होगी, OTS अड्डा पहले उस ऐप का नाम था, अभी भी देख लेना OTS अड्डा के नाम से या Class 24 के नाम से, दोनों के नाम से जो भी है डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। 15 तारीख को आपका कोर्स है जो कि लॉन्च हो जाएगा, प्रॉपर बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर बोर्ड के ऊपर नोट्स होंगे प्रॉपर तरीके से, और आपको मजा आ जाएगा। मतलब एक महीने के अंदर बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन है जो कि होगी, ठीक है, तो देख लेना उसको। आगे बात करते हैं IIT कानपुर के बारे में। देखो, IIT कानपुर ने रिसेंटली क्या किया है, एयर क्वालिटी सेंसर है जो कि लॉन्च करे हैं। अब ये एयर क्वालिटी सेंसर क्या है, ठीक है, एयर क्वालिटी सेंसर क्या है, देखो आपको मालूम होगा एक योजना है जो कि लॉन्च करी गई थी कुछ टाइम पहले, याद है क्या आपको, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, याद है क्या किसी को, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2019 में। मोटिव क्या था कि हम चाहते थे कि 20-30% पॉल्यूशन जो है वो डाउन हो जाए। पॉल्यूशन का मतलब है जो आपके पर्टिकुलर मैटर जो होते हैं ना, PM मैटर है ना, 2.5 और PM 10, उनको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। टाइम पीरियड क्या रखा गया था, 2024 तक रखा गया था। कितनी सिटीज के अंदर करने के लिए बोला गया था, 121 सिटीज के अंदर, 122 सिटीज में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था, समझ गए मेरी बात, 2024 तक 20-30% पॉल्यूशन कम करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव के अंदर, सिर्फ शहरों में नहीं, आज के टाइम पे जो सब अर्बन, अर्बन वाले जो सब अर्बन एरिया है ना, वहां पर भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, समझ गए, तो उसको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत है जो की हुई थी। ओके, गांव के अंदर भी क्या होता है कि जो आपका सब अर्बन एरिया होता है ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है, क्योंकि आग लगाई जाती है, बायोमास की बर्निंग होती है ना, इसके अलावा डीजल जनरेटर जो है वो चलाए जाते हैं, उसके वजह से एयर क्वालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब होती है, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसेंटली क्या किया गया है, IIT कानपुर ने एक सेटअप किया है एयर क्वालिटी सेंसर, 1400 यूनिट जो है वो लगाई जाएगी, कहां पर, यूपी और बिहार के अंदर, है ना, ताकि मेजरमेंट कर सके कितना एयर पोल्यूशन है जो कि रूरल इंडिया के अंदर, हमारे ग्रामीण भारत के अंदर है जो कि देखने को मिल रहा है। शहरों में तो बहुत ही तगड़ा है, तो शहरों में तो क्या ही मेजर करना, अब तो ऐसे हो चुका है कि भाई मेजर करना भी कभी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो तो कम नहीं हो रहा है ना, अब तो ग्रामीण भारत को चेक कर लो, वो जरूरी है, अगर वो मेंटेन हो गया तो भी हमारी जीत है। तो रूरल इंडिया के अंदर क्या है कि इसको मैनेज करने के लिए $2.5 million का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1400 सेंसर है जो कि लगाए जाएंगे यूपी बिहार के अंदर। 3 साल का प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर पूरा डाटा आ जाएगा कि कितना पॉल्यूशन है जो कि गांव के अंदर हो रहा है, डाटा आ जाएगा, तो फिर इसको कम करने के ऊपर भी काम है जो कि किया जा सकता है, समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, तो ये वाली बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है, इसके अलावा तो कुछ और इसके अंदर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि पीएम, देखो लिमिट कितना है, हम चाहते हैं कि PM 2.5 जो है ना वो तो कितना रहे, 40 UG माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है जो कि होना चाहिए। उसी प्रकार से पीएम जो 10 है, यानी कि 10 माइक्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो 1 मीटर क्यूब वाले एरिया के अंदर कितने हो सकते हैं, वो नियर बाय 60 हो सकते हैं, 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वाले एरिया में 60 माइक्रोग्राम के छोटे छोटे पार्टिकल आपको 1 मीटर क्यूब के एरिया में देखने को मिल सकता है। इतने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतने एरिया में ज्यादा हो गए तो फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, हमारे लंग्स खराब करेंगे, हमारे कार्डियो की प्रॉब्लम करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट करेंगे, समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। शुरुआत में 102 सिटी कवर करने की बात करी गई थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 122 सिटीज है जो कि कर दिया गया था, है ना। एम ये था NCAP का कि 2024 तक जो है वो 30% पॉल्यूशन को रिड्यूस है जो कि किया जाए, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से NGT भी बनाया गया, हमारे यहाँ पे बॉडी है जिसके आदर्श गोयल जो है वो अभी हेड है। NGT 2010 के अंदर बनाई गई थी, मोटिव क्या था भाई कि जो भी ऐसे केस है उनका शीघ्र निपटान है जो कि किया जा सके, जो कि हमारे किससे लेकर है,
हमारे एनवायरमेंट से संबंधित है। आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है कि एक हेल्दी एनवायरमेंट मिलना यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यह सरकार के द्वारा हमें अवेलेबल करवाना चाहिए। समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एनवायरमेंट के मैटर होंगे वो डायरेक्टली इनके पास में आ सकते हैं, है ना। पांच प्लेसेस के ऊपर है, दिल्ली जो है वो प्रिंसिपल प्लेस है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर भी एनजीडी के एप्लीकेशन, एनजीडी के ऑफिस देखने को मिलते हैं। और विद इन 6 महीने जब भी केस दायर होगा तो 6 महीने के अंदर वो केस जो है वो होना चाहिए, ये एनजीडी का रूल है ना। एनजीडी जो है वो थोड़ा अच्छा काम करती है, कई बार इन्होंने फाइन में लगा हुआ है बहुत सारे बॉडीज के ऊपर। आगे बात करते हैं चाइना पाकिस्तान के बारे में। चाइना और पाकिस्तान ने दोस्तों एक नई एक्सरसाइज है जो कि अभी करना स्टार्ट किया है, ओके, शंघाई के वहां पे। और आप देख सकते हैं इसका एक्सरसाइज का जो नाम है वो क्या है, ये देखिए, ये एक्सरसाइज का जो नाम है वो है सेकंड एडिशन है सी गार्जन का, यानी कि आपका देख सकते हो नेवल एक्सरसाइज है एक्चुअली के अंदर। ये 4 दिन की नेवी की एक्सरसाइज है पाकिस्तान और चाइना के बीच में करी जा रही है शंघाई के कोस्ट के ऊपर, जबकि जहां पे पाकिस्तान जो है चाइना की एडवांस आर्मी से काफी चीजें हैं जो कि सीखने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी कॉपरेशन है जो कि वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसका नाम है सी गार्जन है। 2020 के अंदर भी कराची में इसको करवाया गया, अभी सेकंड एडिशन है जो कि यहाँ पे शंघाई के अंदर इसको करवाया जा रहा है। समझ गए मेरी बात। इसके अलावा हमारे बारे में तो आपको मालूम ही है, ये सारी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, हम लोग कई सारे देशों के साथ में करते रहते हैं। हम लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज में। जैसे कि पिछले महीने की बात करें तो खान क्वेस्ट 2022 इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई। उससे पहले वाले महीने के अंदर नाटो की एक एक्सरसाइज हुई थी, डिफेंडर यूरोप हुई थी, यूरोप की एक्सरसाइज थी, स्विफ्ट रेस्पॉन्स भी यूरोप की थी, है ना। बोंगा सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई, बोंगो सागर और एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट भी हुई थी। उससे पिछले महीने में बात करें 2022 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको मैं, उससे पहले एक आईमैक्स हुई है ना, इंडिया, बांग्लादेश, फ्रांस, ईरान, ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल थी। लेमेटे हुई थी, ये इंडिया और शेसिल्स के बीच में। वरुणा हुई जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। खंजर ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और कृपान शक्ति, ये देखिए कृपान शक्ति जो है ये हमने खुद ने जो है वो करवाई थी, हमारी खुद की, हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी। उसके अलावा धर्म गार्जियन उससे पहले वाले महीने में जापान के साथ में, और एक कोल्ड रेस्पॉन्स में नाटो की कई सारी कंट्रीज थी। प्रस्थान के अंदर हमारा वेस्टर्न नेवल कमांड था। सिलिलेक्स के अंदर इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को किया। सुरक्षा कवच 2 ये हमारी आर्मी डिवीजन है महाराष्ट्र पुलिस के साथ में मिलकर किया। और एक्स डस्टलिंग जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। उससे पहले वाले महीने में बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज हुआ इंडिया और ओमान के बीच में, सानिया इंडियन आर्मी ने खुद ने किया। मिलान जो है वो कई सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल थे, ओके। इसके अलावा सी ड्रैगन जो 2022 की जो एक्सरसाइज है ये यूएसए के द्वारा करवाई गई, और कई सारे कंट्रीज है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट है जो कि किया था। उसी प्रकार से पश्चिम लहर नाम की हुई थी जो कि इंडिया नेवी के द्वारा कंडक्ट है जो कि करवाई गई। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो कि पिछले 6 महीने के अंदर हुई है इंडिया की, वो सारे के सारे इंडिया और वर्ल्ड में जो हुई है वो मैंने मेजर कवर करवा दिया है। समझ गए मेरी बात। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हमने स्पोर्ट्स को लेकर अपने जो T20 की जो चैंपियनशिप थी वो हमने इंग्लैंड से जीत ली है। इसके अलावा जोकोविक ने भी दोस्तों यहाँ पे जो आपका विंबलडन है जो कि यहाँ पे जीत लिया है। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसके अंदर लैक्रिक करके एक प्लेयर है, उन्होंने दोस्तों फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है जो कि हुई थी, वो इसको जीत लिया। ये जो प्लेयर है लैक्रिक, ये कहां से, फरारी से बिलोंग करते हैं, फरारी की टीम से जो है ये खेलते हैं। समझ गए मेरी बात। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, और है ना फोर्थ प्लेयर हो चुके हैं, मतलब बोर्ग, सैंप्रास और फेडरर के बाद में जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली जो है विंबलडन जीता है। तो फेडरर जो है वो 4थी बार इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं लगातार, और टोटल मिला के 7 बार जीत चुके हैं, है ना, 21 ग्रैंड स्लैम में जो कि जीत चुके हैं। नडाल के काफी क्लोज है जो कि आ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, कुछ खास इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है आज के में। और इसके अलावा मेटावर्स के बारे में बात करेंगे, मेटावर्स स्टैंडर्ड फोरम। देखो मेटावर्स आपको मालूम ही है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक नई दुनिया है जो कि क्रिएट होने वाली है। आप ऑक्यूलस लगाओगे और जहां जाना चाहो वहां पे पहुंच जाओगे, समझ गए। तो रिसेंटली जो है एक मेटावर्स का स्टैंडर्ड फोरम जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि मेटावर्स की ग्रोथ है जो कि दुनिया के अंदर हो सके। कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, समझ गए मेरी बात।
तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये सबसे पहले वीडियो गेम से आया था। आपको मालूम है ना, ऑक्युलस आप पहनते हो, वीडियो गेम खेलते हो, अगर आप ऑक्युलस पहन के खेलते हो ना तो बिल्कुल रियल जैसा लगता है। अगर बॉक्सिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सामने एकदम रियल के अंदर बॉक्सिंग आ रहा है, बॉक्सिंग है। क्रिकेट खेलोगे तो एकदम रियल फील होगा, बैट भी होगा आपके हाथ में क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। तो बिल्कुल रियल फील होता है एकदम, है ना, ऑक्युलस के अंदर। तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत वीडियो गेम्स के कॉन्सेप्ट से हुई थी। धीरे धीरे जो है इंटरनेट के ऊपर आ गया। अब सोशल कनेक्शन बनाने की बात की जा रही है। मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे अमेरिका में बैठे हुए मेरे फ्रेंड से बात करनी है, तो हम दोनों ऑक्युलस पहनेंगे और क्या करेंगे, दोनों एकदम सामने सामने नजर आएंगे, दोनों कॉफी पी रहे होंगे और ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ऐसा लगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो ना अपने सामने, उसी तरीके से बिल्कुल रियलिटी। तो इसके अंदर AR, VR और ब्लॉकचेन तीनों को जो है वो मिलाकर एक डिजिटल एनवायरनमेंट है जो कि क्रिएट किया जाएगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। और आने वाले दिनों के अंदर मेटावर्स का जमाना आने वाला है, बहुत चीजें हैं जो कि आपको आने वाले 10 सालों में बदलती हुई देखने को मिलेगी। चलिए 2015 के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर हम लोग भी टॉप 40 प्लेसेस के अंदर थे। अभी हम लोग 46 के अंदर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें मेटावर्स भी जो है वो धीरे धीरे इंक्लूड करने वाले हैं। तो आने वाले 5 सालों में इंडिया के अंदर भी आपको मेटावर्स में काफी टेक्नोलॉजीज है जो कि आपको देखने को मिलेगी। RBI भी डिजिटल रूपी लेके आ रहा है ना, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि लेवल पे हो रही है। चलिए, हम लोगों ने NFTs है, नॉन फेंजिबल टोकन है, वो भी लॉन्च करें। कुछ नहीं होता, ये पॉइंट्स होते हैं सारे मिलाकर, उसको ब्रेक डाउन करके आप किसी को भेज देते हो, है ना। तो अभी हमने बिटकॉइन के ऊपर 30% का टैक्स भी लगाया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और सम्मिट है जो कि दिल्ली के अंदर हुआ है, उसका नाम क्या है, इंडिया एनिमल हेल्थ सम्मिट एंड अवार्ड 2022। तो ये कहाँ पर, दिल्ली के अंदर इसको आयोजित करवाया गया, ओके, और इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज है जो कि करवाया गया। यहाँ पे बात क्या करी गई है, जो एनिमल हेल्थ है ना उसके ऊपर फोकस किया गया है कि एनिमल के डिजीज को लेकर, एनिमल की हेल्थ को लेकर, ह्यूमन की हेल्थ को लेकर, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे जानकारी है जो कि दी गई है। मंकी पॉक्स आपको मालूम है, ना, एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो कि मंकी के इन्फेक्शन के होने की वजह से जो है वो वायरस फैल रहा है। सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिजीज है जो कि एनिमल से रिलेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले LSD नाम का है, लंपी स्किन डिजीज, ये भी देखने को मिला, नोटिफेबल डिजीज में इंक्लूड किया गया था, है ना। कैटल और जो बफेलोज है उनको ये हुआ, ओके। इसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, डोमेस्टिक जो स्वाइन होते हैं, सुअर है, उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत जगह पे, तो अपने गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव पहले भी लॉन्च करे गए ताकि इन चीजों को रोका जा सके। लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, नेशनल एनिमल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए, तो ये दोनों के तहत हमने पहले भी जो है वो रोकने की कोशिश करी है। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन वात्सल्य को लेकर। देखो क्या है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है वात्सल्य। इसमें क्या होगा कि दोनों को जो है वो डेवलपमेंट करवाने की बात करी गई है। मिशन शक्ति को इंक्लूड कर लो, पोषण को भी इंक्लूड कर लो, है ना, आंगनवाड़ी को इंक्लूड कर लो, इन सबको मिला के वात्सल्य योजना है जो कि चलाई गई है, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइडलाइन है जो कि इशू करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया आप नाम वाम चेंज मत करो, है ना, जिस स्कीम से, जिस नाम से हमने लॉन्च करी है वात्सल्य नाम से, इसी योजना को जो है वो चलाओ, हमसे फंड वंड लो, कोई दिक्कत नहीं है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करो। समझ गए मेरी बात। तो इसके लिए एक बोर्ड भी जो है वो बना दिया गया है, जिसको WCD के जो सेक्रेटरी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ऑब्वियस है वही मंत्रालय होगा जो कि देखेगा इस योजना को, उनके सेक्रेटरी जो है इस बोर्ड के हेड है जो कि बने हैं। तो उन्होंने बोला है गाइडलाइन के तहत कि कोई भी स्टेट जो है इसका नाम चेंज नहीं कर पाएगा, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। 2009 के अंदर बच्चों के लिए दोस्तों तीन योजनाएं हैं जो कि चलाई गई। 2010 में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलाया गया। 17 के अंदर दोस्तों इनको मर्ज करके जो है मिशन वात्सल्य, ठीक है, ये योजना है जो कि बनाई गई थी। समझ गए मेरी बात। इनको विलय करके मिलाकर है जो कि इस योजना को चलाया गया, ठीक है। चलिए, और ये तो मैं बता चुका हूं, ये एक तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस है जो कि हमारे देश में मानी जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी बॉडीज है, जितनी भी योजना है, वो सारी के सारी बच्चों को लेकर प्रॉपर तरीके से काम कर सके, है ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो भी चेंज 2015 का, उसमें भी कुछ चेंजेस करे गए अभी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जो कि इसके अंदर बताए गए। आगे बात करते हैं जो कि है गीगा मैश सोल्यूशन को लेकर। अब ये क्या है दोस्तों गीगा मैश, देखो गीगा मैश सोल्यूशन क्या है, एक कंपनी है दोस्तों, है ना, एस्ट्रॉम, उनके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ में, कि ये क्या करेंगे, एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि चलाएंगे, जिसका नाम होगा गीगा मैश नेटवर्क सोल्यूशन विद 15 विलेजेस इन इंडिया। गांव के 15 विलेजेस के साथ में मिलकर है जो कि इसको चलाया जाएगा। समझ गए, ठीक है, गीगा मैश को, ओके, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। चलिए, तो स्टार्टअप को सपोर्ट किया गया AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क के द्वारा,
है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि मिलकर है, जो कि चलाए जा रहे हैं। काम क्या करेंगे, देखो काम वही है, गीगा मैश का भी यही है कि आपका 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल करवाया जाए। इसी का नाम एक तरीके से गीगा मैश नेटवर्क सोल्यूशन है, जो कि गाँव के अंदर अवेलेबल करवाया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद मिलेगी, है ना। हाँ, क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डेटाबेस होगा पुलिस का, पुलिस के पास में क्रिमिनल का, तो उसको पकड़ने में मदद मिलेगी, उसके प्रूफ इकट्ठे करने में मदद मिलेगी। तो गांव के अंदर भी अगर मान लीजिए कैमरा लगे हुए हैं और सब जगह पे इतना हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है, तो काफ़ी क्राइम को कंट्रोल करने के अंदर भी मदद है जो कि मिलती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी मदद मिल जाएगी, वेदर की कंडीशन पता करना, टेम्परेचर, पानी को कितना काम में लेना है, सॉइल कैसी है, इन सब के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एक योजना लॉन्च करी थी, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, यानी कि रेस्पॉन्सिबली यूज करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अप्रैल 2022 में इस प्रोग्राम को जो है वो चलाया गया था। CBSE ने भी बोला था कि हम लोग स्कूल करिकुलम के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो लेके आएंगे। इसके अलावा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है इंटरनेट गाँव तक पहुंचाने के लिए, वो भी लॉन्च किया गया था ताकि डिजिटल डिवाइड को कम कर सके। घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च करी गई गांव तक पहुंचाने के लिए, बिहार के द्वारा, बिहार के अंदर है जो कि इसको लॉन्च किया गया था, समझ गए। आगे बात करते हैं परिमन पोर्टल। परिमन पोर्टल क्या है दोस्तों, ये एक जियो पोर्टल है जो कि NCR वाले एरिया को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया जा रहा है। आपको मालूम है दिल्ली के आसपास का जो है एरिया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। तो क्या है कि उस रीजन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए है ना, एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जियो पोर्टल। ओके, उसका नाम दिया गया है परिमन। इसको लॉन्च किया गया 2021 के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCRPB के द्वारा और हाउसिंग और अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च है जो कि किया गया। अभी इसको जो है वो क्या कर दिया गया है, पब्लिक कर दिया गया है। अभी इस योजना को पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया गया है, पूरा का पूरा मैपिंग किया जाएगा NCR का। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो NIC है सरकार की कंपनी, वो इस डेटा को पूरा यूज करेगी, एक बेटर लोकल प्लानिंग के माध्यम से जो है वो शहर को आगे डेवलप है जो कि किया जाएगा, समझ गए मेरी बात। इससे मैनेजमेंट करने में मदद मिलेगी, प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, और जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको आप प्रॉपर तरीके से काम में ले सकते हो, ठीक है गाइस। इसीलिए किया गया है ताकि आपके स्मार्ट सिटी मिशन में भी हेल्प मिले, अमृत मिशन में भी हेल्प मिले, सभी को टैप वाटर मिले, सभी को अच्छे घर मिले। तो ये दो योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई थी। करंट अफेयर शॉर्ट्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स और PNB ने MOU साइन किया है, PNB रक्षक प्लस स्कीम के तहत, समझ गए। रक्षक प्लस ये क्या होगा, बेनिफिट देगा ये, कई सारे इंश्योरेंस योजना है जो कि PNB के द्वारा चलाई जाएगी, एयरफोर्स के जो अपने जवान है उनको उनकी मदद मिलेगी। मिशन कौशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो स्किल है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके, कंस्ट्रक्शन वर्कर की। आपको मालूम होगा देखो अगर आप फॉरन में देखोगे ना तो आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां पे भी मिलता है, लेकिन वहां पे इतनी टेक्नोलॉजी है ना कि किसी को जोर नहीं आता कंस्ट्रक्शन का काम के अंदर प्रॉपर तरीके से। अपने तो यहाँ पे बेचारे सिर पर रखकर जो है वो लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन, उनके लिए क्या ट्रॉलीज होती है जो कंपलसरी है, तो ट्रॉली से खींच के ले जाओ, कोई भी सामान लेके जाना है तो हर जगह पे प्रॉपर सामान रखा हुआ होता है उससे पहुंचा दो। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर का इतना हार्ड काम नहीं होता, वो भी अपनी अच्छी जिंदगी जीता है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे लेबर पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इतना सामान सिर पर रखकर दिन भर ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बहुत लेबोरियस काम होता है ना। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की स्किल भी इंप्रूव करना और टेक्नोलॉजी को एड ऑन करना, यार किस लिए काम आएगी टेक्नोलॉजी, और अगर उन लोगों के काम नहीं आएगी तो फिर मतलब ही क्या है टेक्नोलॉजी का, है ना। अमीर तो अपना काम बढ़िया चला ही रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये बहुत जरूरी है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो है ये कौशल कर्मी योजना है जो कि लॉन्च करी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी ने जो है वो स्वनिधि महोत्सव ये लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है चलिए। इसके अलावा अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस, स्वामी रामानुजाचार्य जो है स्टैच्यू ऑफ पीस उनका लॉन्च किया, कहां पे, श्रीनगर के अंदर। पूछेंगे पेपर में स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पे बनाया गया है, तो रामानुजाचार्य जो है स्वामी रामानुजाचार्य उनके उनकी मूर्ति है जो कि श्रीनगर में इनॉग्रेट करी गई है, ठीक है गाइस। ध्यान रखिएगा रामानुजा एक बहुत ही फेमस हमारे फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तमिलनाडु के अंदर बहुत ही फेमस थे। वोकैबुलरीज की बात करें, होवल का मतलब होता है स्मॉल कॉटेज, एक छोटा सा कॉटेज बोलते हैं। फ्लरी का मतलब होता है जब एकदम से कुछ इस तरीके से कुछ भी चीज़ आ जाए, है ना, बारिश आ जाए या बर्फ गिर जाए उसको कहते हैं। आउटसाइज का मतलब होता है जब आपकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कोएर्शन का मतलब होता है जब आप पर्पसली, है ना, किसी को परेशान करते हो उसको कहते हैं। विजिल का मतलब है किसी को सर्विलियंस करना, किसी के बारे में पता करना, मतलब ध्यान रखना, ठीक है। इस आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है विजन वात्सल्य कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा है आपका
वर्ल्ड बैंक के द्वारा 300 मिलियन यूएसडी फंड जो है वो कौन से स्टेट को दिए गए स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। तीसरा है आपका शेरपा G20 में किसको नामित किया गया है पीयूष गोयल के बाद में। चौथा सवाल है स्टार्टअप स्कूल इंडिया कौन सी कंपनी के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। अभी ठीक है, वापस से 7 बजे आपको मालूम है संजीव सर की क्लास है दैनिक एडिटोरियल की, 8 बजे शिप्रा मैम की क्लास है, 9 बजे सज्जन सर की मैथ की, 10 बजे रीजनिंग की और 11 बजे वापस मेरी क्लास है। मैं आपको आज 1.5 साल के इंटरनेशनल न्यूज के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको 11 बजे वाले क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।